तेरा ही नाम पुकारूं मैं। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। बाय द वे, हमारा दिन तो आज बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बट नॉर्मल टाइम पे शुरू हुआ है। अभी बज रहे हैं दिन के इतने और मैं जा रहा हूँ वावड़ी। सो अभी चाय पीते हैं, बैग पैक करते हैं एंड निकलते हैं। थोड़ा काम है आज वावड़ी में, सो बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में। और अभी मेरा वेट चेक करते हैं। आज से चाय, अभी जो मैं चाय पीऊंगा उसके बाद से मैं कोई खाना नहीं खाने वाला। आज से मेरा फास्टिंग वापस से शुरू हो रहा है, ओनली लिक्विड डाइट, नथिंग एल्स। सो इस गट को अंदर करने का है। ए बिडो, देखते हैं नेक्स्ट टाइम वेट कितना होता है। मैं 7:17 पे निकल चुका था भावनगर से, पेट्रोल भरवा लिया है, हाईवे पे आ गया है। अब चलते हैं, अपने सफर की शुरुआत करते हैं। राहुल हाफ प्लेटफॉर्म पे थी, देख रहे क्या किया उस दूध पी गए। थोड़ी आ चुके हैं हम, 8 अभी, और ये हमारा कुत्ता अब आया है, पता नहीं कहाँ गया था। बस बच्चा बस, मेरे को चक्कर आ रहे। बस, शांत, गदाधारी भीम शांत। सीताराम बा, कैम से एले बात है, मैं तो मार नाना वार कर नहीं खा है। खेतों का काम शुरू हो चुका है। आवे दादा, साले इधर है। हाँ, वो करा कोई लोग करा। आवे आवे, पापा ऑर्डर है ये तो सही है ना पापा? क्या कमाल। हाँ, मेरे पीछे है ये गाय का और भैंस का चारा है। सो अभी वहाँ पर मेरे बाग घास काट रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर पानी आ गया है, ये दिख रहा है? तो ये पानी दिया जा रहा है, टंकी में पानी शुरू किया जाता है, फिर ऐसे कनाल के थ्रू ये पानी वहाँ पर जाता है। फिर जब ये भर जाएगा तो यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और दूसरे वाले में छोड़ देंगे पैसा। तो अभी तो पानी का शुरू है, लाइट आ रही है इसलिए पानी चल रहा है और बा मेरे घास काट रहे हैं। आज हम वापस से आ गए हैं चित्रा JADC गुरुकुल स्कूल। चलो आज क्या होता है, आज फाइनल रिजल्ट आने वाला है मेरा, जॉब मिलती है या नहीं देखते हैं क्या होता है। इतना ब्यूटीफुल स्कूल है, इनका एंट्रेंस है। चूना भिगो दिया है। हाँ, थोड़ूक मैं कह रहा हूँ ना, वो फटाफट मारी जाए। चूना मिक्स किया जा रहा है पानी में। जो यहाँ पर कमरा है उसको साफ करके, गोडाउन है हमारा वहाँ पर, उसको साफ करके वो करने का है आज, कलर करने का है। एक लिक्विड है जो इसके अंदर मिक्स किया जाता है ताकि अच्छे से चिपक जाए चूना। तो आज का प्लान ये है कि ये जो सारा है वो खाली करना है, कलर करना है एंड इसको साफ करना है। चलिए, अरे क्यों नहीं काम कर रहा है, अब करेगा। नहीं, ऑल क्लीन। सो पूरा साफ कर दिया है, बहुत गंदा है अभी वैसे, इसको कलर करना है, धोना है अभी। सो यह सब साफ सफाई तो हो गई, बहुत मेहनत लगी, पूरी वाट लग गई। इतना सामान के क्या बताओ। देखो मैं दिखाता हूँ, वायर, पाइप, खेती का सामान, डब्बा, डुब्बी, ये देखो, ये सब पावड़ा फावड़ा,
बाप रे ये पंप कितना सामान है। हम भी कभी स्कूल में थे, देखो कोई ऐसे स्टूडेंट तो होती है जिनको टीचर्स सजा देती और उसके क्लास से बाहर निकल जाता है। एक यहाँ पे है और एक वहाँ फर्स्ट फ्लोर के था, पता नहीं कहाँ चला गया बच्चा, ये आया वापस। जी मेरा लेक्चर मिल गया है 8 बॉक के अंदर, मतलब कि 8 बी समझ लो। और ये देखो जो बच्चे जिनको पनिशमेंट मिली है, जो खड़े यही बैठे मतलब तो बाहर होमवर्क कर रहे हैं। मैं जाती हूँ अपना लेक्चर लेने, बाय बाय। अभी चल रही है दादा की चाय की मंडली। हाँ हमारा थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ा सोडा वोडा पीते बाहर निकलो। हेलो हेलो, ये जल्दी आओ जल्दी। सीताराम दादा। सीताराम सीताराम केम छे? बस ले ठीक है, लागोनी छे ले जा। अगर मेरी कभी बात मान लेना तो बेड़ा गर्क हो जाए देश का। मैंने बोला धो डालते हैं कमरा, मना ही माने। सब हम कमरा धो नहीं रहे, डायरेक्टली उसमें चूना मार रहे हैं, कलर कर रहे हैं, इन शॉर्ट मतलब बहुत थकान हो गई है। सो फाइनली अभी मैंने सादी सोडा मतलब बोले तो नींबू पानी जैसा पिया है, अभी एनर्जी आ गई है वापस से, तो चलिए काम करते हैं। इतना सामान है मेरे दादा के पास, इतना सामान है कि उसकी बात मत पूछो। इतना लाइट का सामान, ये फिर सामान भरने के लिए सामान, बैलों का सामान, फिर ये फुहारा पद्धति का सामान, वायर ने कितना कुछ है। डब्बा डुब्बी तेल का डब्बा, ये डब्बा बोरिया, इंसान गिनते गिनते थक जाए। और मेरे अंदर इतना सारा मिट्टी गया है, इतना सारा मिट्टी गया है कि क्या बताए कितना मिट्टी गया है। ये 8वीं का क्लास है। स्कूल में अभी ब्रेक टाइम हुआ है तो देखो क्या बच्चे आ रहे हैं। पहली बार ऐसा फील हुआ कि मेरे को सेलिब्रिटी हो चुकी यहाँ पे। जब बच्चों का मैं क्लास खत्म कर बाहर निकली तो उनका ब्रेक टाइम था, तो सारे बच्चों ने मेरे को घेर लिया और बोला कि एक फोटो, तो चलो हम फोटो को। अभी इसके अंदर पापा ने उजाला मिक्स कर दिया है और अभी इसको एकदम साफ, अभी इसको पापा डंडे से मिक्स कर रहे हैं, हलवाई की तरह हलवा बना रहे हैं एक तरह से समझ लो। ओहो अब आया कलर एकदम बढ़िया सा, बस अभी हम कलर करेंगे। पापा कलर अंदर ये देखिए असली खेती वाले इंसान। दा पप्पा यहाँ पर मेरे टेस्टिंग कर रहे हैं कि कलर कैसा लग रहा है। पहले इसको लगाएंगे फिर सूखने देंगे। पप्पा थोड़ा गाढ़ा करो ना। गाढ़ा था कब? सैंपल मस्त तिखारी बना रहे हैं दादा, यहाँ छाछ बना रहे हैं। ये देखिए इसमें लहसुन की चटनी रखी है पिघलने के लिए, गरबा बना रहे हैं। फुल ऑन मन कर रहा है बट क्या करें, खा नहीं सकते। एंड देन मैं फुल ऑन पैक करके बैठा हूँ अपने आप को ताकि मेरे पे चूना ना गिरे। चलिए अब चलते चूना करने। गाइस अब हम यहाँ पर कलर करने वाले हैं। हो जा